क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हेल्प मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे नहीं प्यार व्यार तो नहीं करें, पॉलिटिक्स करें, गेम खेलें। सो दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 13 के एक और एक्सक्लूसिव एपिसोड के अंदर, फिनाले के वॉर के अंदर। मैं मनु पंजाबी आपके सामने कोशिश करूंगा थोड़े से आपके नेत्र चक्षु खोलने के और आपको समझाने के कि बेसिकली चल क्या रहा था। सो दोस्तों, कुछ लोगों ने, स्पेशली हम पहले दो लोगों की बात करते हैं, सिद्धार्थ ने और रश्मि ने महानता दिखाई इन पिछले दो दिनों के अंदर। बेसिकली इनको पता है कि चूंकि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इतनी आसानी से ये शो से बाहर नहीं होंगे, इस वजह से ये लोग थोड़ा सा ग्रांटेड लेते हुए चीज़ों को देखे। सॉरी, सिद्धार्थ भी इसीलिए दिखा बिकॉज सिद्धार्थ की इन्वॉल्वमेंस वैसे पूरी थी, वो बस साइलेंटली ये गेम तुम लड़कियों का है, तुम लोग देख लो। वो पीछे से बार बार उनको समझाता था कि किस तरह खेल के अंदर इन्वॉल्व हो, किस तरह तुम अपने लिए स्टैंड लो, किस तरह वो आरती को बार बार, वो अच्छा बुरा भी बोल रहा था आरती को कि बिकॉज तुम कुछ करो 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 करो। कई बार आरती को उसका बहुत ज़्यादा समझाना, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली समझाना मुझे कम समझ में आ रहा होता है, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। लाइक वो लोग पहले से भी दोस्त हैं और आरती इस चीज़ को जब तक अदरवाइज नहीं लेती तब तक मनु पंजाबी तू कौन होता है बोलने वाला। एग्रीड। सो यहां पर ये दिखा कि सिद्धार्थ चाह रहे थे कि किसी तरह से असिम के पास कुछ पॉइंट्स आ जाए और असिम क्वालिफाई हो पाए। फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी बात है। वहीं पर रश्मि बीच बीच में डिलेमा में आई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि माहिरा इस स्टेज को क्लियर करें। दोस्तों, वैसे ये गेम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ होता है, वैसे इस गेम के लिए आपको बहुत डरना होता है, बहुत सोचना होता है, हर पल के लिए खुद के बारे में खेलना होता है। लेकिन कभी कभी जब दर्शक देख रहे हो और आप किसी और के लिए खेलते हो तो वोट तो वो आपको कर ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक बड़े पब्लिक फिगर्स भी हैं, इनको दुनिया जानती भी है, तो कहीं ना कहीं इन्हें वोट से भी पता है कि हम लोग सेव हो जाएंगे और फिर बाकी तो क्या पता इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रखा। सो ये सेव हो भी जाएंगे और उसके अलावा पहले ली आपकी नज़रों में ये महान बनेंगे, आप लोग इन्हें बहुत पसंद करेंगे। मैं भी ऑब्वियसली, मुझे भी ये चीज़ें सारी अच्छी दिखी, एक्सेप्ट सिद्धार्थ की बस ये वाली बात थोड़ी सी कि वो आरती को लेकर के थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कम बोल रहा था, बाकी अदरवाइज रेस्ट ऑल एवरीथिंग इज़ ग्रेट। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्तों क्या लगा, सिद्धार्थ के पास जितनी बार भी मौका मिला उसने फ़ोन उठाया, हेलो फ्रूट सैलड, हेलो फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड, मतलब वो एंग्री यंग मैन इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं बोला। वो हमेशा, बिकॉज उसको ये भी पता था कि मेरे ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है, सामने से फ़ोन रश्मि उठाने वाली है, सो हिज डायनामिक्स वॉज ग्रेट। सना थोड़ी सी मैनिपुलेटिव दिखी, सना अपनी चीज़ों के ऊपर परफेक्ट खड़ी होती नहीं दिखी, सना ने भी ट्राई किया कि शायद पारस उसको कुछ वैल्यू दे, वो गई उसके पास, मगर वो सीन बैठ नहीं पा रहा था बिकॉज अभी उसका फोकस एकदम क्लियर था कि उसको मायरा के साथ ही आगे जाना है। वो दोस्तों उसको क्लियर रखना भी पड़ेगा बिकॉज मायरा के पास एक अपना सेल्फ ईगो है, वो इमीडिएटली नाराज़ हो सकती है अगर वो नहीं मानेगा तो। वो नाराज़ उनसे हो सकती है जो उसके अपने, लाइक जैसे उसने रश्मि को भी कहा कि मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती कि आप ऐसा करोगी, रेस्ट लोग कुछ भी करें। ठीक है, खैर दोस्तों, ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम्स होती भी दिखी जब तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, चीज़ें किसी तरह से हमारे सामने क्लियर नहीं आ रही थी। मैं शेफाली के बारे में दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, शेफाली एक ज़बरदस्त लड़की है, उसने पहले भी अपने लिए स्टैंड लिया था, तब भी मैंने कहा था शेफाली ठीक थी, मैं आज भी आप लोगों को बोल रहा हूँ शेफाली अपने लिए ठीक थी। शेफाली ने वो बीज देबो के अंदर भी पैदा किया, शेफाली ने वो बीज रश्मि के अंदर भी पैदा किया, लेकिन बार बार उन्हीं जगहों पे वापस जाकर के फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप वो लोग चेंज हो जाते थे, मगर शेफाली डिड अ फैंटाबुलस जॉब। वो चाहती थी ये टास्क किसी तरह से रद्द हो जाए, वो चाहती थी किसी तरह से इस खेल को खत्म कर दिया जाए और लेट्स चीज़ें पब्लिक के ऊपर छोड़ी जाए, आप और मैं मिलकर के उनको वोट करते हैं नहीं करते हैं और हम लोग क्या चाहते हैं, वो चीज़ें इन चीज़ों के डायनामिक्स के भरोसे छोड़ना चाहती थी। दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं कि अगर किसी गेम शो का आप हिस्सा बनते हैं, आप टेक्निकली भी जीतते हैं, लाइक पारस और माहिरा अगर एक दूसरे को फेवर करते हैं वो जीतते हैं, दैट्स वेरी गुड, मगर करेज चाहिए चार पाँच लोग मिलकर के आपको जिताने की कोशिश करें। जो देबो को भी फाइनली क्या रियलाइज़ हुआ, यार जब सारी चीज़ें वहाँ जा रही है तो क्यों ना अपने फ्रेंड सर्कल को सपोर्ट करूँ, सिद्धार्थ भी तो ब्लाइंडली अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करता है। देखिए, आसिम को भी सिद्धार्थ की बातें माननी चाहिए बिकॉज देखो सिद्धार्थ भी क्लियर क्लियर कह रहा था कि तू आगे जा, पॉलिटिकली राइट। मैंने कल रश्मि के लिए कहा था, मैं फिर आपको एक बार कहने की कोशिश करता हूं, वो अचानक से डिलीवरी देने के लिए भी गई, उसने डिलीवरी देकर के भी पारस को जाकर डिलीवरी दी, पारस और उन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रांग बॉन्ड और केमिस्ट्री बनती हुई दिखी, पारस सर की तो क्या बातें करनी, करेंगे इसके बाद में करेंगे, बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री बनती हुई दिखी वहां पर। मायरा को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई जब उसने जाकर के डिलीवरी के टाइम पे किसेस एंड ऑल की, तो मायरा ने कहा ये सब नहीं चलेगा, डिलीवरी पे ये सब नहीं होता है बिकॉज
whatever it is, like she's not interested in Paras, she's doing everything for Gabe, or she's interested for in Paras, that's her call completely. But आप ये कैमरा को तो एटलीस्ट दो ना, कैमरा को तो आप दो कि हाँ भाई इनसिक्योरिटी हो रही है, ये एंगल है, ये फ्रेंडशिप है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, सर्वाइव करनी चाहिए. तो वो वाला वो एंगल परफेक्ट था. वहीं पर हमारे पारस जी ने अकेले में जाकर के कमिट किया रश्मि को कि तू जानती है ना मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, फर्स्ट पे रश्मि, सेकंड पे तू, और मेरे को कोई भी इस गेम के अंदर नहीं चाहिए. मैन तू बंदा है, मतलब मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं लूंगा. पारस इज डूइंग फॉर हिज सेल्फ एंड मैन आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो. आप बिल्कुल सही थे, आपने उसको ये बोला कि आप उसके साथ हो. आपने वहीं पे सना को भी बोला, सना तुझे पता है मारकबाद मेरे लिए सेकंड नंबर पे तू है. दैट वॉज ऑसम मैन. आप शाम दाम दंड भेद करके आप यहां तक पहुंचना चाहते हो. थैंक्स एंड क्लैप टू क्रिएटिव्स के वो लोग इसको लेकर के आए कि ये इस वाले सीजन के इस वाले गेम के डायनामिक्स में जहां पर लड़की लड़के का एक कपल बन के आगे जाना है वो इस गेम को पूरा प्रॉपरली पार कर रहा है. एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट. एक और चीज दोस्तों, वहीं पर मायरा को जब पता चला कि शेफाली की बातों में ये लोग आ रहे हैं, पारस ने उसके कान में जाकर के बोला कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो लोग वैसा वैसा कर रहे हैं, तू तेरे लिए कर ले, तो उसको बुरा लगा और वो वहां पर अबाउट टू क्राई भी थी, वो रोने लगी. उसको दुख ये हुआ कि इफ आई एम प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 30 days फॉर रश्मि तो रश्मि ऐसा क्यों कर रही है. दब वो सेकेंडरी एंड थर्ड नंबर पे हम मान लो शेफाली को लेते हैं. शेफाली का तो खैर उनमें से किसी को भी नहीं लगा था कि कोई पर्टिकुलरली हमारे लिए वो स्टैंड या रुझान होगा भी, तो वो चीज़ उसकी दिखी और उसको प्रॉब्लम कर रही थी. वहीं आकर के रश्मि ने कहा तुम मुझसे बात करोगी, आराम से बात करोगी, नॉर्मल करोगी, चलो मैं तुमको बताती हूँ. एंड रश्मि वॉज डूइंग एवरीथिंग कि टास्क अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, खेल यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे और ज़रूरत पड़ेगी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना अपन पारस को तो अपने साथ में स्ट्रांग बना के रखें. कल को अगर हम अभी पारस को धोखा दे देते हैं तो आगे जा करके पता नहीं चीज़ें कहाँ चली जाएंगी. सो दैट्स वेरी गुड कि आप लोग भविष्य की प्लानिंग आज से ही कर रहे हैं, कुछ कुछ पैसे बचा के रख रहे हैं, पारस की तरफ फेवर करके रख रहे हैं कि भविष्य आने पे वो आपको भी फेवर करे. एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड कि पारस डिड अ फैंटाबुलस जॉब ऑन द टाइम, ऑन द राइट टाइम ही टेकन अ नेम ऑफ मायरा शर्मा और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा. वो लोग गले मिले, सारे लोगों को अच्छा लगा. बिग बॉस ने भी कहा इसी के साथ ये कार्य यहीं पे ख़त्म होता है और मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ पारस को और माहिरा को, उसके अलावा बाकी सब लोग यहाँ पर असुरक्षित हैं. सो दोस्तों मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये लोग बाकी के असुरक्षित हैं और ये दोनों सुरक्षित हैं तो मतलब इनके वोट्स का क्या हुआ. हम लोगों ने तो वोट्स इनको भी किए ना, तो कुछ ना कुछ होगा इनके वोट्स के बारे में भी. लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा. हो सकता है शायद इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो वोट्स की अब कोई वैल्यू ना रहे जो हम लोगों ने किए. ए बाबू ये बार बार का होता हमारे साथ, हम बार बार वोट करता बिग बॉस को चोरी कर देता, हम बार बार वोट करता बिग बॉस को चोरी कर देता. ये खेला हमारे समझ में ना आ रहा बाबू, हमारे वोट का कोई वैल्यू ना है, हम उनका बंद करें वोट दे बा. खैर एनीवेज दोस्तों ये चीज़ भी बहुत दिलचस्प होगी कि सलमान सर आकर के क्या बोलते हैं, कौन कौन लोग पड़ाव को क्लियर करते. पड़ाव से याद है खेसरी लाल जी भी आ गए थे और खेसरी लाल जी ने भी यही कहा पारस के लिए, आज तो बहुत ही दोगला बच्चा है, बेकार खेल रहा है, लड़कन में घुस रहा है. सो उनको भी ये चीज़ दिखी. और वहीं पर पूना वाला जी ने पूरी कंटिन्यू कमेंट्री दी पूरे शो के बारे में. उन्होंने हर मोमेंट पे हर चीज़ के बारे में बताया, हर चीज़ के लिए. अभी मेरा ट्रायल है, मैं करके देखता हूँ अगर होता है तो. हाँ कोशिश. ये गलत कर रहा है एक्चुअली. ये जो इसका जो तरीका है जाने का ये समझ ही नहीं रहा, डायनामिक्स को नहीं समझ रहा गेम के. अभी आरती तुम दिल से मत सोचो, तुम्हें दिमाग से सोचने की ज़रूरत है. दिमाग से सोचोगी तो चीज़ें वैसी ही होने लगेंगी. और दिमाग की ज़रूरत मैं अब अंदर जाके नई तीसरी टीम बनाऊँगा. आप जाओ, केसरी लाल जी भी अंदर हैं, आप भी अंदर जाने वाले हो और शेफाली जरे वाला भी अंदर है. सो दोस्तों अभी तो टीम्स और बननी बाकी हैं, अभी ये लोग भी जाएंगे और कांटे लगेंगे लोगों को, पथ बहुत ज़्यादा अभी मुश्किलों से भरने वाले हैं लोगों के. और पूना वाला जी के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की थी. इज़ अ ग्रेट मतलब लाइक अ मोटिवेशनल नहीं वो कौन है पॉलिटिकल एनालिटिकल समथिंग ठीक है. सो केसरी लाल जी भी बात से बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अंदर जाने पे उनके भी बहुत मजा आएगा. वहीं पर दोस्तों अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं. देबो फर्स्ट स्टेप पे कन्वेंस हो गई थी, देबो सना और आरती के सामने भी कन्वेंस हो गई थी कि हाँ मैं तो चाहती हूँ अपनी टीम के साथ, मतलब मैं तो खुद चाहती हूँ ये चीज़ ड्रॉ हो जाए, पब्लिक पे डिपेंडेंट हो. फिर उसको एकदम से मूड स्विंग आता, वो जब रश्मि की बात अगर कहीं सुनती तो वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती थी. मैं रश्मि को आज के एपिसोड के लिए फेवर करूंगा कि रश्मि जो चाहती थी उसने वो किया, चाहे उसने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए किया मगर वो खड़ी उसी स्टैंड पर रही कि उसने मायरा को आगे जाने दिया. आरती ने भी एक पॉइंट पर आकर के इन दोनों को समझाया देबो और रश्मि को कि तुम लोग ये
किसके लिए कर रहे हो? गलत कर रहे हो, ये सब खराब होने वाला है। तुम समझ नहीं रहे हो, फिनाले तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। बट वहाँ भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी दोस्तों, कि उन लोगों ने भी यही कहा, रश्मि ने यही समझाया उसको कि अगर तू चाहे तो तू देख ले, तुझे ऐसा करना हो तो कर, मैं तो ऐसा कुछ करने नहीं वाली हूँ। और दोस्तों को सपोर्ट करना ही चाहिए इस टाइम पर। सारे के सारे संचालक होते हुए उसने सहचालक करके डिसीजंस लिए, सारे डिसीजंस उसने अपनी मर्जी से लिए। आरती बोलती रह गई पूरे एपिसोड के अंदर कि दिस इज़ नॉट द वे टू टेक अ डिसीजन ऑन दी थिंग्स, लाइक उसने एक दो जगहों पे गलत डिसीजन भी लिए आपने, और मैंने भी ये चीज़ बहुत प्रॉपरली नोटिस की कि मेजोरिटी पे कभी वो डिसीजंस लेट थी, कभी कह रही थी एक बार घोषणा कर दी तो कर दी, हण हण दबंग 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 दबंग। तो ठीक है, वो भी उसकी मर्जी थी, वो उसने कर दी तो कर दी, बिकॉज एनी विच वे वो ये चाहती थी कि मेरे संचालन की क्रिया के अंदर मैं जीतूँ। हालांकि बिग बॉस को एक अगले दिन संचालक बदल देना चाहिए था, मगर बिग बॉस पता नहीं क्यों नहीं बदलना चाहते थे। ये आवांग आपसे पूछ रही है, बिग बॉस आप क्यों नहीं बदलना चाहते थे? बेसिकली आप चाहते तो नेक्स्ट डे आरती को बना देते संचालक, जो कि शेफाली ने बहुत सी चीज भी कही थी, आपको एडवाइस भी मिल गई थी, आप उसको फॉलो कर लेते, मगर आपने वो चीज नहीं की। वहीं पर दोस्तों शेफाली ने बहुत अच्छा से गेम को खेला, सबको ट्राई की, सबको कन्विंस की। एक उसकी शक्ल में भी है ना एक डिफरेंट सा एक ऑरा दिख रहा था कि वो नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। जब देबो उसके पास गई उसको समझाने के लिए, हम अपनी टीम का साथ नहीं क्यों नहीं दें, हमें भी यही करना चाहिए, वही करना चाहिए, वो वहाँ पर एक ही चीज़ कर रही थी बार बार, अच्छा ठीक है बताओ क्या करने वाली हो, अच्छा बताओ क्या करने वाली हो, अच्छा बताओ क्या करने वाली हो, बताओ क्या करने वाली हो। बिकॉज वो ये सुनना इसीलिए नहीं चाहती थी दोस्तों, क्योंकि वो चाहती थी अभी वो डे होता तो तुम क्या करती, तुम भी तो अपने कपल का साथ ही देती ना। वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी, पीछे से बाइक जा रहा है, हाँ वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी दोस्तों, वो सब इसीलिए नहीं सुनना चाहती थी बिकॉज शाम दाम दंड भेड़ उसको आगे जाना है। और ऐसी ललक वाले लोग गेम खेलते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त। आई लव द वे यू लाए, सना ने कहा पारस को कि आई लव यू, आई लव द वे यू लाए, तुम बहुत झूठे हो, ये हो वो हो, और किचन एरिया में दो मिनट की उन दोनों की मस्ती दिखाई। वहीं आरती बार बार लोगों से अलग अलग जगहों पे कहीं से सुनती हुई, कहीं पे स्ट्रगल करती हुई, कहीं पे लड़ती हुई, कहीं पे हार मानती हुई बार बार सना को भी कहती हुई दिखी कि सना तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, तुमने कल भी नहीं दिया, तुम आज भी नहीं दे रहे हो। फिर बाद में भी सना पॉलिटिकली रिप्लाई कर रही थी, तू एक बार रुक जा मुझे इससे बात करने दे, फिर वो चिल्ला क्यों रही हो, बात तो करने दो। शेफाली भी बीच में आ रही थी, मतलब इन लोगों का ये दिखा के लोग हाना हाना हाना। वहीं मायरा भी हाना हाना में दिखी कि एकदम मायरा ने कहा ठीक है मैं भी शेफाली के साथ हूँ, शेफाली को जाने दो। जैसे ही ओके हुआ शेफाली का, रश्मि ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया, उसने फिर चेंज कर दिया, उसने कहा ठीक है भैया देबो ही जाएगी। देबो डिलीवरी करने के लिए गई, देबो ने पारस को दे दिया, उसने पारस ने उसको भी एक प्यार वाला जादू की झप्पी दे दिया आने का, और कुल मिलाकर के पारस ये गेम फाइनली जीत गया। इस गेम को जीतने की कोशिश करने में एक तरफा ही युद्ध था जो हमें क्लियरली दिख रहा था, एक तरफा ही होना था जो हमें दिख रहा था। वन बाय वन हमने करेक्टर्स की बात की तो मायरा को दो तीन स्टेजेस पे बहुत बुरा लगा अपने दोस्तों को लेकर के, अपने जानने वालों को लेकर के, बट फाइनली फिर भी उसी की चीज़ें चली बिकॉज उसके अंदर एक उसने इस तरह की फ्रेंडशिप और बॉन्ड रश्मि के साथ बनाया है कि बाकी के लोगों को उस बॉन्ड फ्लो में कन्वेंस होना पड़ा। देबो ने क्लियर कहा अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये नहीं भी करती हूँ तो सिड और आसिम या पारस मेरे कोई भी काम नहीं आने वाला, तो व्हाई डोंट, मतलब व्हाई शुड वी रद्द दिस टास्क, लेट्स प्ले फॉर दिस टास्क। और पारस को जीताते हैं तो एटलीस्ट गुड बुक्स में तो आएंगे, तो गुड बुक्स के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ये वाली चीज़ यहाँ पे कर दी। देन बैड बुक्स के चक्कर में आरती पूरा लड़ती स्ट्रगल करती, आरती को सिर्फ बिग बॉस को और हमको ही जवाब नहीं देना है, उसको साथ साथ में सिद्धार्थ को भी रिप्लाई करना है कि भैया सिद्धार्थ बुरा ना मान जाए कि मैंने मेरे एफर्ट नहीं किए, तो उसने 100% उसको अपने एफर्ट्स करके भी दिखाए कि भाई मैंने मेरे हिस्से की पूरी कोशिश की है। शेफाली ने भी अपने हिस्से की पूरी कोशिश की कि जिस तरह गेम की डायनामिक्स चेंज हो। देबो करते 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 गुड बुक्स की तरफ चली गई बिकॉज उसको लगा कुछ अपने से बननी नहीं है। सिद्धार्थ और आसिम इस खेल के अंदर कुछ ज़्यादा दिलचस्पी से कर नहीं सकते थे, वो कर नहीं पाए। पूना वाला जी ने बाहर से पूरी की पूरी बेहतरीन कमेंट्री की पूरे शो के बारे में। वहीं पर दोस्तों कट्टू एक और चीज़ देखी कि बाथरूम एरिया के अंदर सना ने, जो कि सना बार बार गलतियां कर रही है, सना ने एक और ये की कि सना बाथरूम एरिया के अंदर बैठी थी और सना ने उसको देख करके ऐसे बोला माहिरा को, मुझे तुझ पे ना बहुत प्यार आ रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है तू, तो उसने बोला थैंक यू, मुझे भी तू अच्छी लगती है, मुझे भी तू पसंद है। वहीं आरती ने उसको पारस के बारे में बताया कि पारस क्या क्या तेरे बारे में बोल चुका है। पारस ने कहा था कि मेरी फीलिंग्स तो ये तो मेरे एक जरिया है, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ सना को, मुझे जाना तो मायरा के पास है। वहीं पर उसने कहा कि मुझे अच्छी तो तू लगती है, देख तेरे को देख करके इनसिक्योर हो रही है माहिरा, सना मैं मेरा इंटरेस्ट तो तेरे अंदर है, तो ये सब चीज़ें उसके साथ क्लियर हुई। पर बिग बॉस ने इसकी डिटेलिंग हमको नहीं दिखाई, तो मुझे लगता है डिटेलिंग नहीं दिखाने का मतलब दोस्तों ये होता है कि मायरा कोई फर्क नहीं पड़ता, आई गिव यू अ फक डैम, मुझे भी क्या इस लड़के से लेने देना, एक बार आगे लेके चलो, शो बढ़ने दो, मैं आगे जाने दो, दैट्स ऑल। सो यही की यही वाइब्स हमें पूरी की पूरी दिखी, वही की वही चीज़ें हुई। लोग पॉलिटिकली अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे थे,
कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम बेहतरीन बनते हुए दिखें, लाइक सना, मैं बोल चुका आपको बात, सॉरी, रश्मि एंड ऑल के बारे में. सो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू. और जाते जाते फिर थोड़ी सी बात होने लगी सना की एंड सिद्धार्थ की और आसिम की. आसिम ने कहा मुझे डे वन से ही लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, इन दोनों के बीच में कोई सीन है. वहीं पर सना ने भी कहा कि हाँ देख मेरी उंगली पकड़, अपन देखते हैं, बोला तुम लोगों की शादी हो रखी है, तुम लोगों की कोर्ट मैरिज हो रखी है, तुम लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे. वहीं पर वो हंस रहा था, मस्तियाँ कर रहा था. वहीं हमने उनके छोटे मोटे मूव्स भी देखे, दोनों जने एक दूसरे को बेड पर गिरा रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे. बिकॉज सिद्धार्थ कहीं ना कहीं ये देखता है कि शी इज़ अटेंशन सीकी गर्ल, कि इसको कंटिन्यू टाइम देना पड़ेगा, इसके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, कहीं ये पारस की तरफ ना चली जाए. सो कहीं ना कहीं उनका युद्ध मुझसे मिलता हुआ है. दोस्तों मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, व्हेन आई वाज अ कॉमनर एंड आई वाज अ प्लेइंग टीम रोल. सो मेरे भी टीम के लोग लाइक नितबा, लोकेश, मास्टर तो खैर नहीं जाता था, नितबा, लोकेश एंड आकांक्षा एंड ये सब लोग है ना, इधर उधर भाग जाते थे एपिसोड के एंड में होते ही. तो एक इनसिक्योरिटी बनी रहती थी, इनको पकड़ पकड़ के लाओ, कभी मोहब्बत से, कभी प्यार से, कभी इनका क्वालिटी चेक करवाओ, जैसे सिद्धार्थ करवा रहा है आरती का, जैसे सना को बोल रहा है कि तुम अपने लिए अगर स्टैंड नहीं लगोगी तो बुरी दिखोगी. तो वो सब चीज़ें हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी. मैं भी थक जाता था समझा के सारे लोगों को इकट्ठा करके करके, बट फाइनली कई चीज़ों की दिक्कत आती है. बट ऐसे लोग सर्वाइवर्स कहलाते हैं, आप लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं. टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय. मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट. दोस्तों ठंड करीब आने वाली है, हम सब लोग अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें भी बनाएंगे अपने घर में. माएँ स्पेशली, कई कई की माएँ अच्छे अच्छे लड्डू वड्डू बना बना के उनको खिलाती हैं, जिससे सेहत भी अच्छी रहती है, माँ की याद भी आती है अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं तो. मैं दोस्तों आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो, जो भी आपकी कुव्वत हो, औकात हो, सॉरी अगर औकात सही वर्ड नहीं लग रहा हो, तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, उस अमाउंट की कोई भी चीज़ किसी की सर्दी मिटाने के अगर काम आ सके, तो दोस्तों एटलीस्ट 4-5 लोगों की वैसी हेल्प करके देखना ना. लाइक किसी को सॉक्स दिला दी अगर हम, किसी को कैप दिला दी, है ना, किसी को स्वेटर दिला दिया, किसी को कंबल या शॉल दिला दी. टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय. मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा.